रहमान रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ जितनी सहाफती तंजीमें, वर्किंग जर्नलिस्ट, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, एंकर्स, PFUJ, RIUJ, तंजीम के जितने मेम्बरान यहाँ मौजूद हैं और खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, उन सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इस तहरीक में जो आपकी तहरीक नहीं बल्कि पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी की तहरीक है, ये पाकिस्तान के अवाम की इजहार राय की आजादी की तहरीक है, ये हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी की तहरीक है और हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर पूरी की पूरी जमात पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सहाफी मौजूद हैं और धरने और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सब के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। PMDA एक काला कानून है, ये पाकिस्तान में एक आमराना सोच जो इस वक्त वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत है, ये उसकी अकासी करता है। इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान की अवाम मुस्तरद करते हैं और इसको पार्लियामेंट से पास होने नहीं दिया जाएगा। अभी अभी खबर आई है कि मुझे भी डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है। तकरीर के बाद जो इंफॉर्मेशन स्टैंडिंग कमेटी की सब कमेटी बनी, मेरी चेयर जिसको मैं चेयर करती हूँ, तो मुझे कहा गया है कि उस तकरीर के बाद आप उसको चेयर नहीं कर सकते। उन सबको जवाब है, मेरा उन सबको जवाब है कि आप ना मुझे, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और ना पार्लियामेंट को डिक्टेट कर सकते हैं। जो खुद कठपुतली हो, जो खुद मुसल्लत होकर आया हो, वो किसी को किसी ने क्या कहना है। ये सिर्फ एक सब कमेटी इंफॉर्मेशन से डर गए हैं। आपका प्रोटेस्ट तो कामयाब हो चुका, लेकिन वो जो सब कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है उसमें मुझे कहा जा रहा है कि कल की तकरीर के बाद आप उसको चेयर नहीं कर सकते। किसी में हिम्मत है? अगर आपने उसमें शामिल होना है तो हो, वरना बुध को 12 बजे इंफॉर्मेशन स्टैंडिंग कमेटी की सब कमेटी PMDA के जो प्रपोजल को रिव्यू करना है तमाम तंजीमों के साथ, उसकी कमेटी मीटिंग पेमरा हेडक्वार्टर में होगी। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि जो मुसव्वदा तमाम तंजीमों से छुपाया जा रहा है, पार्लियामेंट से छुपाया जा रहा है PMDA का, असल में वो एक आमराना कानून है, काला कानून है, ड्रकोनियन कानून है। और उसको हम पार्लियामान तो क्या, हम उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से भी निकलने नहीं देंगे। और अभी तो खौफ इतना है कि उस मुसव्वदे को शेयर नहीं किया जा रहा। सेक्रेटरी कहती है मुसव्वदा है ही नहीं, वजीर कहता है मुसव्वदा आप लोगों के साथ मिलकर बनाएंगे और वो लॉ मिनिस्ट्री में वेट हो रहा है। ये है इंसान। मैं एक दफा फिर आखिर में आप सबके हौसलों और जो तहरीक हमेशा से मार्शल लॉज में और इस आमराना सोच जो इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है, आपने जिस तरह बहादुरी के साथ इसका मुकाबला किया है, हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आप हमें अपने से आगे और अपने पीछे पाएंगे और इस काले कानून का रास्ता हम मिलकर रोकेंगे।